अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। बहुत यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था तो यहाँ हमने कहा चलो ग्रीनरी से अपना व्लॉग स्टार्ट किया जाए। और माशाल्लाह इतने प्यारा था ये मनी प्लांट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन। मतलब सुबह में उठो तो बाहर, मतलब गैलरी में रखे थे हमने अपने प्लांट्स ना, तो यहाँ पर जाके दिल को ना सुकून सा मिलता है। ये यहाँ पे हमने हरी मिर्च पौधा लगाया हुआ है, मतलब हरी मिर्चें इसमें से हमने तोड़ ली थी काफ़ी, और अच्छी अच्छी निकल रही थी माशाल्लाह, बहुत बहुत सारी निकली थी। यहाँ पर जो है हमारे बच्चों उठ चुके हैं, अब उन लोगों के प्ले टाइम हुआ हुआ है, दोनों साथ में मिलके खेल रहे हैं माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम इन्होंने क्रॉलिंग स्टार्ट की है आज, और दोनों खेल रहे हैं मज़े से। बस क्या टाइम होता है ये, बहुत याद आता है मुझे तो अपना टाइम। बाकी यहाँ पर हमने मार्बल केक तैयार किया था जिसके लिए 2 eggs चाहिए थे, 1/2 cup शुगर, 1/3 cup मिल्क, ऑयल डाला था, वनीला एसेंस, 1 cup मैदा लिया था, इसमें हमने एग का मिक्सचर डाला, उसके बाद 1/4 cup जो है वो डाला मिल्क, इसको मिक्स किया। यहाँ पर मेरे पास कोको पाउडर ख़त्म हो चुका था तो मैंने न्यूट्रेला डाल लिया था इसमें। न्यूट्रेला डाल के हाफ मिक्सचर में न्यूट्रेला डाला था, हाफ वाइट था, तो इन दोनों को 1 by 1 पॉट में डाल के इसको बेकिंग के लिए रख दिया था, क्योंकि हमें अपनी बेटी साहिबा की वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना था उनको। 8 months की वैक्सीनेशन होती है, 9 months की थोड़ी, तो उसके लिए लेके जाना था। माशाल्लाह 8 months कंप्लीट हो चुके हैं इनको, बस जल्दी से नहला के तैयार किया। उसके बाद इनको नेल्स बढ़ गए थे काफ़ी ज़्यादा ना, तो वो कटिंग कर रही थी मैं, करने ही नहीं दे रही है। ये देखिए हाथ हटाए जा रही बार बार ना, कि बस करें। तो खैर, आप लोगों से एक बात भी शेयर करनी थी। माशाल्लाह से हम लोग उम्रे पे जाने वाले हैं, मैं और मेरे बच्चे दोनों, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ वहाँ के ब्लॉग्स शेयर करूँगी मैं, और अभी पैकिंग का भी ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी मैं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी, हमें भी फैमिली बनाते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली। तो प्लीज़ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों, कुछ भी इसमें पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या चीज़ मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो ज़रूर मैं करूँगी इसमें ना, क्योंकि हम न्यू स्टार्ट किया है तो जाहिर सी बात है। बस यहाँ पर अब चलने के लिए रेडी हो गई थी मैं, हम लोग उतर रहे थे अपने, रात हो चुकी थी काफ़ी ना, मतलब 8-9 बज रहे होंगे, तो जल्दी जल्दी जाना था वरना डॉक्टर चले जाते, लेट हो गए थे थोड़ा सा ना, बच्चों के साथ तो हो ही जाता है। अब अल्लाह अल्लाह करके इनका फीवर वगैरह उतरा है, दोनों को फीवर हुआ था, फ्लू फीवर चल रहा था, अनायागे तो फिर टीथ का भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो उसकी वजह से इनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी मेरी बच्ची। अभी तो खैर अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। बस अभी हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, यहाँ इनका वेट हो रहा था, वेट करके फिर हम लोग अंदर डॉक्टर के रूम में चले गए थे, वहाँ पे मूसा साहब हर चीज़ की इंस्पेक्शन कर रहे थे तो ये क्या है मम्मा, ये क्या होता है, बस इनको बताया जा रहा था कि ये है, इससे ये होता है। यहाँ आया मैडम, अपने शूज़ उतारने के चक्कर में लगी हुई थी, फर्स्ट टाइम पहने थे इन्होंने, मतलब लिए हुए मैंने इतने सारे हैं लेकिन वो आ ही नहीं रहे कोई से भी, मतलब अब फर्स्ट इनको शूज़ आए थे ये उनके थे, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, तो मैंने इस पर पहना दिए थे, वो भी वहाँ जाते ही साथ ही उन्होंने पैर मार मार के उतार दिए। अब यहाँ वैक्सीनेशन मेरी बच्ची की, मेरी रो रही है इतना, तो पहले पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए थे डॉक्टर ने,
अब ये हाइट वाइट मेजरमेंट कर रहे हैं, इतना रो रही है। बस वैक्सीनेशन करके घर जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को सब पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।